लाओ। जी सर। ओके तो बेटा सर्कल करना समझ में आ गया? कुछ सर्कल करने में कोई मसला तो नहीं है? नो सर। नो सर। सर्कल क्या देख के करते हैं? जिसके पास लोन पर होता है। अगर मिसाल के तौर पर मान लो, जरा इधर देखो एक मिनट के लिए, समझाना भी तो है ना। मान लो कि ये एनएच नहीं होता, एनएच टू होता, तो जब ये एनएच टू बना लेता तो फिर इसके पास लोन पेयर नहीं रहता, क्योंकि ये एनएच टू पॉजिटिव हो जाता। क्योंकि नाइट्रोजन नॉर्मली जब तीन बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर बाकी होता है, अगर वो चार बॉन्ड बना लेता है तो उसका वो लोन पेयर खत्म हो जाता है। यस और नो? यस सर। लेकिन क्योंकि इस वक्त उसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो सारा सर्कल करेंगे आप, ठीक है? आई मीन नाइट्रोजन को सर्कल करेंगे। आगे आगे चलते हैं। ये पहला पार्ट हो गया, एक नंबर मिल गया। FeAds is red and FeD is yellow. Explain why the two complexes have different colors. ये दो नंबर है। हाँ भाई, कलर क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि डिफरेंट लाइगेंड्स जो होते हैं, जब वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं तो दे प्रोड्यूस डिफरेंट एनर्जी गैप्स, व्हिच इज जिसको Absorb different जिसको wavelengths of light. वेरी गुड, जिसको फिल अप करने के लिए डिफरेंट जो वेवलेंथ होती हैं फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम वो लगती हैं। सुनो, यस सर। यस सर। यहां आंसर आप कैसे लिखेंगे? डिफरेंट लाइगेंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी गैप्स इन डी सबशेल ऑफ सेंट्रल एटम which absorbs different wavelengths from visible spectrum and therefore different colors are reflected. चले, ये याद रहेगा, इसी तरह आंसर करना है। हुमैरा आप मेरे साथ हो या सो गई हो? हुमैरा, रेहा, वरा, नरमीन। व्हेन ईडीडी इज 4 इज एडेड टू Fe3 एक्वस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये भाई रिएक्शन दिया हुआ है, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। भाई देखो Fe H2O6 है, इसमें ये डाला और इसने जगह ले ली वाटर की, क्या हो रहा है ये? लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन या लाइगेंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? यस सर। ये तो आसान था, आगे चलते। Write an expression for K step. अच्छा भाई, K step क्या होता है? वही होता है product, मैंने बताया था पढ़ाते हुए कि KC जो, जैसे KC होता है वही K step होता है, product upon reactant. लेकिन याद है एक चीज mention की थी कि K step की equation में water जो होता है liquid form में, उसको हम बताया था पढ़ाते हुए भी कि नहीं लिखते, याद है? जी सर। चलो भाई, K step की equation क्या बन जाएगी फिर? ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और यहां पर मैंने बताया था ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है। तो आपके पास ये एक ब्रैकेट तो आ जाएगा लाइगेंड का, ई डी डी एस और माइनस, और एक आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन का, यूं करके, ठीक है? यानी पहले आप जैसे लाइगेंड लिखा हुआ है वैसे लिखोगे, और उसके बाद फिर नीचे जो है वो उसके ऊपर बाहर से एक ब्रैकेट लगा दो। इसी तरह यहां पर जो लाइगेंड है Fe H2O6 3+, और फिर ये कॉन्सेंट्रेशन का एक और ब्रैकेट आएगा, ठीक है? और उसके बाद फिर ये आ जाएगा ई डी डी एस ठीक है 4-। बात समझ में आती है? यस सर। ब्रैकेट भाई, कुछ सवाल या कंफ्यूजन तो पूछते जाओ, खाली यस यस किए जा रहे हो बोले की तरह, मुझे तो तुम लोगों को लगेगा नींद में हो। अच्छा चलो, द टेबल शोज द वैल्यूज फॉर द के स्टेबिलिटी ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्सेस। अब क्या नजर आ रहा है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जैसे जिसका के स्टेप ज्यादा होगा, तो किसका के स्टेप ज्यादा है? नीचे वाले का। अब उसने पूछा प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द एफईडी कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल, एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस। बहुत एक नंबर का आंसर है तो बस सिंपल हो गया। कौन सा वाला स्टेबल है भाई? ईडी आप कैसे लिखेंगे? एफ ई डी टी ए माइनस वाला इज More stable because K-stab is higher. Sure. When an axis of EDT is added to the following equilibrium established, calculate the equilibrium constant KC for this reaction using the K-stab values given in the table C part 5. हाँ भाई, क्या कह रहा है भाई, कर पाओगे?
सर के स्टेप सेकंड वाला ओवर के स्टेप फर्स्ट वाला बिल्कुल सिंपल है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ठीक है तो के स्टेप प्रोडक्ट में कौन सा वाला है ईडीटी माइनस वाला ये वाला ठीक है सर तो केसी कैसे निकालोगे भाई साहब के स्टेप 1 अपॉन के स्टेप 2 का फार्मूला लगाया था तो यहां पर क्या आ जाएगा बोलो 1.26 एक्सपोनेंशियल 25 अपॉन 3.98 एक्सपोनेंशियल 20 एंड द आंसर इज 3.17 एक्सपोनेंशियल 4 सॉरी 3.17 एक्सपोनेंशियल 4 ठीक है अब आ जाते हैं कार्बो प्लेटिन एंड ये क्या आ गया भाई कार्बो प्लेटिन एंड सेट्राप्लेटिन आर यूज्ड एज एंटी कैंसर ड्रग्स इंस्टेड ऑफ सिसप्लेटिन सिसप्लेटिन याद है जब हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ाया था ट्रांजिशन में तो सिसप्लेटिन का एग्जांपल दिया था प्लेटिनम का कंपाउंड था अबे याद है कि नहीं सर इस तरह का कंपाउंड होता भाई सिस ट्रांस में एक ही एग्जांपल तो दिया था लेक्चर में जाके देखो सिसप्लेटिन किसमें होता है ओ सिस ट्रांस किसमें होता है याद है भाई स्क्वायर प्लेनर में होता है ना स्क्वायर प्लेनर में जी जब दो लाइगेंड सेम हो जाएं तो उसमें जो एग्जांपल था जो मुझे अपनी याददाश्त में याद आता है तो वो ये एग्जांपल था तो अगर उस वक्त मैंने नाम ना बताया हो तो अब बता देता हूँ कि ये सिसप्लेटिन कहलाता है ठीक है जो कि एंटी कैंसर ड्रग के तौर पर इस्तेमाल होता है अब क्या कह रहा है भाई कि कार्बोप्लेटिन एंड सेट्राप्लेटिन सेट्राप्लेटिन आर यूज्ड एज एंटी कैंसर इंस्टेड ऑफ सिसप्लेटिन Describe the action of cisplatin as an anti-cancer drug. ये उसी जगह पर नोट्स में मौजूद है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप जान लें कि होता यह है कि कैंसर बायोलॉजी वाले हो सारे वरा के अलावा और हुमेरा के अलावा तो कैंसर क्या हो कब होता है जब कैंसर कब होता है कि जब डीएनए जो होता है वो अनवांटेड रेप्लीकेट करने लगता है सेल की जो डिविजन होती है गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है या सुनो इसी को कहते हैं ना कैंसर yes, sir. तो बेटा होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है ना बेटा ये जो नाइट्रोजन है ये जो नाइट्रोजन है सिसप्लेटिन के ये क्या करते हैं ये जाकर डीएनए की जो बेसिस होती है डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है एडीनी उसमें क्या होता है डीएनए के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजिनस बेसिस होती थी नाइट्रोजन अबे हाँ ना तो बोल दो नाइट्रोजिनस बेसिस होती थी शुगर होता था और फॉस्फेट होता है डीएनए जो है ये तीन चीजों से मिलकर बनता है तो होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन ये जो अमोनिया का नाइट्रोजन है ना ये जाके इनके नाइट्रोजिनस बेसिस से बाइंड हो जाता है अबे क्या हो गया हेलो यस सर स्क्रीन चली गई ना जी सर यस सर एक मिनट रुक जाओ ओ स्क्रीन आई नो सर आ जाए तो बताना अब आ गई जी सर तो बेटा यहाँ मैकेनिज्म क्या होता है वरा अगेन रटा रटाया मैकेनिज्म है अगर आपने बुक से पढ़ा होगा या नोट से पढ़ा है तो ये लिखा हुआ है नोट्स में कि ये जो सिसप्लेटिन ड्रग होती है इसमें क्या होता है ये जो नाइट्रोजन होता है इसका ये जाकर डीएनए की नाइट्रोजिनस बेसिस से बाइंड जाता है और उसे फर्दर रेप्लीकेट करने से रोकता है याद रखिए कैंसर कब होता है कि जब सेल के अंदर जो डीएनए है ना वो धबा धब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए तो एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं तो बेसिकली सिसप्लेटिन ड्रग कैसे काम करती है कि जो नाइट्रोजन कंपोनेंट होता है सिसप्लेटिन का वो जाके डीएनए की नाइट्रोजिनस बेसिस से बाइंड जाता है और उसे रेप्लीकेट करने से रोकता है जिससे डिविजन रुक जाती है इज दैट क्लियर Yes, sir. तो यहाँ पर दो नंबर है yes, दो नंबर का मंजन है ये दो नंबर का मंजन कैसे है तो आपको बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन या अमोनिया लिख लें यूं लिख लें नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ऑफ सिसप्लेटिन कंबाइंस विद नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ डीएनए एंड रिस्ट्रिक्ट इट्स replication is that clear yes sir suggest yes, sir. the geometry of the platinum center in the carbo plan ha bhai platinum center ki geometry bata do carbo platinum ke andar ye kaisi geometry dikha raha hai ha square planar koi masla to nahi hai kisi ko no sir suggest why carbo platinum does not share cis trans isomerism bhai cis trans show karna chahiye tha na isme do ammonia hai
लेकिन क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि रोटेट कैसे करेगा, यहाँ देख रहे हो ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, बाइडेंटेड लाइगेंड पूरा कनेक्ट हुआ है, रोटेट करेगा तो फर्क पड़ेगा क्या? नॉर्मली क्या होता है, अगर मोनोडेंटेड होता रोटेशन हो जाती, यस सर? यस सर। तो आप कहेंगे ड्यू टू, एक एक नंबर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड लाइगेंड रोटेशन इज, बोलो, नॉट पॉसिबल, रिस्ट्रिक्टेड या नॉट पॉसिबल। 17 प्लैटिन इज अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अच्छा ये इसने बता दिया न्यूट्रल है, कंटेनिंग लाइगेंड्स दिस 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 एंड दिस, डिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम इन 17 प्लैटिन। अच्छा भाई चलो जरा देखते हैं 17 प्लैटिन क्या है। अच्छा भाई ऑक्सीडेशन निकालनी है, कैसे निकालेंगे, क्लोरीन कितनी होती है, -1 है ना भाई, और इनकी भी कितनी बताई इसने, -1 और -1 बताई नीचे, ठीक है, तो कितना हो गया, -1 -1 -2 -3 -4 हो गई, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ठीक है, तो प्लैटिनम पे कितना होगा फिर, अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो +4 हाँ या ना बोलो भाई, आगे चलो, अब ऑर्गेनिक भी आ गई, देख रहे हो आप ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिक के कनेक्ट हो गया। चलो भाई देखते हैं इसको भी, देख लेते हैं क्या कहता है भाई, ये बेंजीन है, अच्छा भाई ये बेंजीन की साइड चेन है, स्टेप वन हुआ एल बन गया और स्टेप टू में पता नहीं क्या बन गया, एसाइल बन गया है ना, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एल। अच्छा भाई आप देखें कि ये साइड चेन थी और साइड चेन ही आगे जाके एसाइल बन गई है, तो अगर साइड चेन, और फिर आप देखें कि इस वाले के अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं है जबकि इसके अंदर 4 ऑक्सीजन आ गए हैं, तो फिर ये तो क्लियर के लिए ना, साइड चेन की ऑक्सीडेशन होती है कार्बोक्सिलिक, और एसाइल किससे बनता है, कार्बोक्सिलिक से, यस और नो? तो इसका मतलब है साइड चेन को ऑक्सीडाइज करें तो कार्बोक्सिलिक बनाना भी हमारे सिलेबस के अंदर है, और कार्बोक्सिलिक से एसाइल बनाना भी सिलेबस के अंदर है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक बन रहा है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा भाई एल का, मेरे ख्याल आसान हो गया, बोलो भाई, क्या ख्याल है भाई साहब? यस सर। सजेस्ट रिएक्टेंट कंडीशन फॉर ईच स्टेप ऑफ दिस सिंथेसिस। हां भाई रिएक्टेंट और कंडीशन, स्टेप 1 में क्या चलेगा, क्या लगेगा, एसिडिफाई ऑक्सीडेशन होता है ना ये, पोटेशियम मैग्नेट, और स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में देखिए एसाइल बना रहे हैं, तो एसाइल किससे बनता था याद है, PCl, PCl5, PCl3 है, SOCl2, हां या ना? यस सर। राइट एन इक्वेशन फॉर स्टेप 2, इक्वेशन लिखनी है भाई साहब, इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन हजरत, इक्वेशन लिखनी है, तो ये क्या है, CH6O4, और इससे रिएक्शन करा लें PCl5 का, और क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा भाई, OH की जगह आ जाता है ना Cl, OH का मतलब ये हो गया कि दो O कम हो जाएंगे और दो H कम हो जाएंगे, है ना, तो C8H4O2 और Cl2 हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर, ठीक है, और इसके अलावा क्या बनता है, एक PCl5 से एक Cl निकलता था, याद करो, एक से एक निकलता, तो यहाँ दो लगाने तो दो लगेंगे, जब दो लगेंगे तो क्या बनता है, यहाँ पर दो HCl बनेंगे और दो POCl3 बनेंगे, हाँ या ना भाई, रिएक्शन याद है, गरीब और अमीर वाला सुनाया था, जी सर, चलो यहां तक तो इसका मतलब है कुछ पढ़ाया है वही आ रहा है एग्जाम में, चलो आगे देखते हैं, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ एम डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन। अच्छा भाई उसने कहा कि भाई ये मैं जो है ना एम जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से बनाऊंगा, 1,3-methyl benzene से नहीं बनाऊंगा, अच्छा डायरेक्ट बना रहा है भाई बच्चा, बाय यूजिंग COCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कैटलिस्ट। अच्छा भाई क्या है, बेंजीन इनिशियली रिएक्ट विद COCl2, बेंजीन ने COCl2 AlCl3 कैटलिस्ट रिएक्शन किया और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया, मैकेनिज्म का सवाल आगे लग रहा है, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है बेंजीन को, हाँ या ना? यस सर। रिएक्शन 2 में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, लग गया, एचआईएन निकल गया, चलो बेटा शाबाश, रिएक्शन 2 इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सजेस्ट द मैकेनिज्म, भाई ये तो आसान है ना भाई, मैकेनिज्म कैसे होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग होती है और इस पर अटैक कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, बेंजीन यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मुकाता है, यस और नो, उसके नतीजे में क्या होता है, रिंग क्या हो जाती थी, बको ना, रिंग क्या हो जाती थी, पॉजिटिव, इनकम्प्लीट हो जाती थी ना, ब्रेक जाती, इनकम्प्लीट डिलोकलाइजेशन, ये लग जाता था CO Cl और यहाँ पर H, अब यहाँ नतीजा क्या होता है, इसको पूरा कैसे करते हैं, H के इलेक्ट्रॉन से, जब H के इलेक्ट्रॉन से पूरा करते हैं तो क्या होता था बेटा, रिंग दोबारा से कम्प्लीट हो जाती थी, हाँ ना बोल दो यार, यस सर, जी सर, चलो ये 3 नंबर का मैकेनिज्म आ गया।
एरो वेरो बना लेना सही से, चलो अरे सवाल खत्म हो गया, बारह 12 नंबर और मिल गए, तो कितने हो गए भाई, 50 हो गए थे, 12 और हो गए, कितने हो गए, 62 हो गए। चलो समझ में आया भाई सवाल या नहीं आया? जी सर आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल पे, अब ऑर्गेनिक आ गई भाई, ऑर्गेनिक AS A2 दोनों की ऑर्गेनिक आ रही है। फ्यूमरिक एसिड इज अ नेचुरली ऑर्गेनिक, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन फ्यूमरिक एसिड एंड एक्सेस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ भाई देखो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड लिखा हुआ आ गया, क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यस और नो? यस सर। कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है कॉन्सेप्ट क्या था, डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन सी होता है तो वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सी एच होता है तो वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सी एच टू होता है तो ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यस और नो? यस सर। ये कौन सा वाला है, सी एच वाला, सी एच वाला होगा ना? यस सर। तो सी एच वाला किसमें ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या बताना है भाई, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट, C2H2O4, यस और नो? यस सर। कैसे बन गया, असल में ये बनेगा ना बेटा, COH पहले से था और ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये भी COH बन जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड या इथेन 1,2 डायोइक एसिड। अरे हाँ ना बोलो, नहीं समझ में आई बात, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो था ही ना, अब ये वाला कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और ये भी बिल्कुल सिमेट्री है तो ये भी वही चीज बनाएगा, तो दो बनेंगे ये, यस और नो? यस सर। वरा जाग रहे हो, समझ में आई बात? जी सर। अबे नहीं आ रही तो बता दे भाई, क्या लिखा हुआ है भाई बता दो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हां जी सर। क्या कह रहे हो सर, जब हम इथेन डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है सर। यस 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 यस, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, जी हां बिल्कुल ऐसा ही है, इथेन डाइऑक्साइड एसिड बनेगा, अगर आपको याद हो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट तो क्या हमने बात की थी, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यस सर। कौन कौन से थे, एक मिथेनोइक एसिड था और एक इथेन डायोइक एसिड था। हाँ या ना? जी सर। तो बेटा बिल्कुल अच्छा हुआ वरा आपने टोक दिया, बिल्कुल ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये इथेन डायोइक एसिड है और इथेन डायोइक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देगा, और अगर इसके अलावा कुछ होता तो फिर ऐसा नहीं होता। क्लियर नरमीन? क्लियर जी सर। उसके बाद कहता है फ्यूमरिक एसिड कैन फॉर्म एडिशन एंड कंडेंसेशन, अच्छा एडिशन दोनों और कंडेंसेशन दोनों कर सकता है, ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन। हाँ भाई एडिशन किसके थ्रू होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यस और नो? डबल बॉन्ड, यस। मैंने तुम्हें बताया था कार्बन कार्बन तरीका क्या बताया था अभी कुछ दिन पहले, तो पढ़ाया था कि डबल बॉन्ड को सेंटर बना लो, अब एक तरफ क्या आ जाएगा CO2H और एक तरफ H आ जाएगा, और यहाँ पर H और CO2H आ जाएगा, और मैंने क्या बताया था रिपीट यूनिट कैसे बनाते हैं, यही चीज रीड्रॉ होती है विदाउट डबल बॉन्ड, है ना? यानी के ये हो जाएगा, ठीक है, अगर स्केलेटल फॉर्म में बनाना है तो स्केलेटल फॉर्म में कैसे बना, हाँ बोलो सर, रिपीट यूनिट और वन रिपीट यूनिट में कोई डिफरेंस होते हैं, सेम चीज नहीं, सेम ही चीज होती है भाई, वन रिपीट यूनिट का मतलब वही चीज रिपीट हो रही ना, एक 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 ही बार बनाना होगा तो वन रिपीट यूनिट कहेगा, और अगर कहता है दो बनाए तो इसी को दो बार बना दोगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है अच्छा, अब आ गया था ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ द पॉलिस्टर फॉर्म व्हेन फ्यूमरिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेन 1,2 डायोल। अभी ये भी पढ़ा था हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इथेन 1,2 डायोल से रिएक्ट करेगा तो एस्टर लिंकेज बन जाएगा, द एस्टर बॉन्ड शुड बी शोन फुली डिस्प्लेड। अच्छा जी डिस्प्लेड फॉर्म में बनाना है, अब यहां पर किसकी बात कर रहा है पॉलीमराइजेशन में, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पार्टिसिपेट करने वाला है ना, जब भी तो एस्टर बनेगा, अब जरा पहले इसको साइड में समझ लेते हैं, साइड में समझ लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड को हमने टच नहीं करना है, तो अगर मैं उसी पैटर्न में बनाऊं जिसमें ये एग्जामिनर ने यहां दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे तुम्हारा CO2H है और यहां पर भी क्या है CO2H है, अब इथेन 1,2 डायोल क्या होता है बेटा CH2OH, बोलो बेटा, और CH2OH, यस सर। अब हमें मालूम है कि ये यहां से H और OH कंबाइन हो जाएगा, हाँ या ना?
टू फॉर्म वाटर, और यहां से क्या रह जाएगा हमारे पास CO, और यहां से रह जाएगा O, दैट विल फॉर्म CO एस्टर लिंकेज. यस और नो? यस सर. तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगे बेटा, यहां से ये हटा देंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे कुछ ऐसे, यहां से ये हट गया, यहां से ये हट गया, तो ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ऐसे खोल के दिखा दिया, और ये O आ गया यहां से, ठीक है. और इसी तरह CH2 as it is, और फिर ये इसका जो O है वो किसी आगे किसी से जुड़ेगा. इसी तरह ये जो CO2H है ये किससे जुड़ेगा, किसी और के इथेन डायोल से. ये सुनो. यस सर. बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर. तो रिपीट यूनिट क्या बनेगा जरा देखो, क्या क्या सीक्वेंस रिपीट होगी. अगर तुम देख पा रहे हो तो ये यहां से लेकर यहां तक वाली सीक्वेंस ये रिपीट यूनिट बनेगा पूरा इसका. उसके बाद यही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी. यस और नो? यस सर. इसने कहा था ड्रॉ द रिपीट यूनिट. रिपीट यूनिट का मतलब क्या होता है, जो सीक्वेंस, क्योंकि देखो ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास तुम्हारा वाला कंपाउंड इथेन डायोइक एसिड, और इसके साथ ये आ गया 1-2 इथेन डायोल, उसके बाद फिर इथेन डायोइक एसिड, फिर 1-2 इथेन डायोल, फिर इथेन डायोइक एसिड, 1-2, तो ये चीज बनेगी. यस और नो? अगर सिर्फ रिपीट यूनिट बनाने को कहा गया था तो आप डायरेक्ट, मैं ये बना रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर लगा रहा हूँ ये, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज, उसके बाद ये ऊपर गया, ये सी डबल बॉन्ड ओ, उसके बाद फिर ये ओ, और उसके बाद CH2 और ओ, ये इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Explain why polyesters normally biodegrade more readily than polyalkenes. अच्छा भाई, polyester ester linkage या जो amide linkage होता है, ये जल्दी क्यों hydrolyze, जल्दी क्यों degrade हो जाता है, ये topic अभी discuss होने से रह गया था, लेकिन बड़ा आसान है कि इनकी अगर आपको अपनी chemistry याद करें तो amides हो या esters हो, आपने दोनों के अंदर पढ़ा इनकी acidic और basic hydrolysis होती है. Yes, sir. यानी एसिडिक और बेसिक कंडीशन दोनों में दे कैन बी ब्रोकन डाउन. यस और नो? दैट इज द रीजन कि अमाइड्स या जो एस्टर्स होते हैं, व्हाई दे आर इजीली बायोडिग्रेडेबल, कि इनको एसिडिक या बेसिक दोनों कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं. जबकि जो एल्कीन्स होते हैं ये एसिडिक और बेसिक कंडीशंस में हाइड्रोलाइज नहीं होते. तो यहां पर सिंपल सिंपल रीजन क्या बनेगा बच्चों, बिकॉज they can be, बोलो बच्चों, hydrolyzed under acidic and alkaline conditions. Alkaline conditions. Is that clear बच्चों? Yes. Yes sir. अच्छा अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड करो, मुसलसल कोई नॉक कर रहा है गेट, एक मिनट के लिए होल्ड करो, I'm just coming back.
हेलो यस सर ओके अब वरना तुम्हारी आवाज एकदम हल्की क्यों हो गई अचानक से आपकी मेरी आपकी आवाज अभी सही आ रही है मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को हेलो यस सर नरमीन हुमैरा रेहा नरमीन तुम बेटा जवाब दे दी रहो तुम सो जाती हो जी सर बोलियो चलो आगे चलते हैं बेटा फेवर कैसे कब एंड करेंगे बेटा पेपर खत्म करेंगे ना जानू कितने सवाल रह गए अभी अभी तो हैं थोड़ा सा सवाल चलो आगे चलते हैं फ्यूमरिक एसिड तवज्जो रखें बेटा तवज्जो रखें फ्यूमरिक एसिड ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये मुझे अच्छे से याद है पिछले साल जब बच्चे किसी ने पूछा था अक्टूबर नवंबर में एग्जाम देने वाले ने दिमाग का दही हो गया था फ्यूमरिक एसिड रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म अ कंपाउंड पी अब वो जो फ्यूमरिक एसिड था ऊपर याद है डबल बॉन्ड वाला उसने कोल्ड वाले से रिएक्ट किया तो आप जानते हैं कोल्ड वाले में डायोल बन जाता है डबल बॉन्ड पे OH लग जाता है यस और नो यस सर तो वो बन गया ओनली थ्री स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ पी एग्जिस्ट पी के तीन आइसोमर्स पी एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ तीन वन ऑफ दी स्टीरियो आइसोमर इज शोन अच्छा ठीक है कंप्लीट दी थ्री डायमेंशनल डायग्राम इन दी बॉक्सेस टू शो दी अदर टू आइसोमर्स बड़ा आसान है भाई देखो जो सेम प्लेन पे उनको छोड़ दो इनको फोकस करो फिलहाल आसान तरीका बता रहा हूं इनको फोकस करो अब यहां पर तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है समझना मान के चलो ये वन है ये टू है तुम्हारा ये यूनिट वन है ये टू है जो फ्रंट और बैक प्लेन पे उनकी बात कर रहा हूँ ठीक है अब इनकी जरा इनमें स्टीरियो आइसोमर्स में यानी ज्योमेट्री चेंज होगी सही है ना एटम चेंज नहीं होंगे ज्योमेट्री चेंज होगी तो ज्योमेट्री का मतलब क्या है रोटेशन हो सकती है अब कैसे करना है या तो तुम टू को कांस्टेंट कर लो जब टू को कांस्टेंट कर लोगे तो एक ये बना हुआ है वन पर रोटेशन दिखा दो तो क्या बन जाएगा ये CO2 H एज इट इज ये H और OH एज इट इज यहां पर रोटेशन दिखा दो ये H और ये OH हो जाएगा ठीक है एक पॉसिबिलिटी हो गई दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम इस वन को कांस्टेंट कर लो इस वन को कांस्टेंट कर लो यानी कि यहां पर OH और यहां पर H दिखा दो ठीक है और ये CO2H as it is और जनाबे अली यहां पर OH आ जाएगा और ये H आ जाएगा इज दैट क्लियर यस तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि दोनों को रोटेट करते एक साथ तो दोनों को रोटेट करोगे तो यही यही स्ट्रक्चर बन जाएगा तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीन ही पॉसिबिलिटीज है इज दैट क्लियर ये समझ में आ गया रोटेशन कौन से एंगल पे करोगे जो फ्रंट और बैक वाला होगा ना उस पे करोगे मेरे ख्याल है ये तुम लोग खुद से करोगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा जी सर ठीक है इसका तरीका और मार्क स्कीम में देख के भी समझ में नहीं आता इसका तरीका याद रखना है यह समझ में आ गई बात कि आम तौर पे जब रोटेशन दिखाने जाओगे फ्रंट और बैक प्लेन वाले को तो अगर दोनों तरफ सिमेट्री है या एसिमेट्री है एक तरफ फिक्स करोगे दूसरी तरफ रोटेट करोगे दूसरी तरफ फिक्स करोगे पहली तरफ रोटेट करोगे इज दैट क्लियर यस सर चलो यस सर चेक कर लो ये सही है मार्क स्कीम से मैच करना चाहिए इसको यस सर सही है चलो चलो आगे चलते सर आप सबसे आखिरी वाला करा देंगे पार्ट मैं करा ही रहा हूं सारे क्या मतलब है सर पूरा पेपर हो गया था मुझे दो में मसला था अब ये तो कितने सवाल रह गए दो सवाल तीन सवाल रह गए अल्लाह के बंदे सर ये जो ये वर्किंग वाला सबसे आखिरी वाला नहीं 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 सिर्फ इधर अब तो तेज कर रहे हैं भाई हिम्मत रखो वापस आ गए ये हो गया आगे चलो द एंजाइम फ्यूमरेज कैटालाइजेस द रिएक्शन ऑफ फ्यूमरेट आयंस विद वाटर ठीक है एंजाइम फ्यूमरेट कैटालाइजर डिस्क्राइब विद द एड ऑफ सूटेबली लेबल्ड डायग्राम हाउ एंजाइम सच एज फ्यूमरेज कैन कैटालाइज हां भाई इसमें तो एंजाइम वाला डायग्राम बनाना है क्या डायग्राम बना सकते हैं क्या होता है बेटा एंजाइम को आप शो ये क्या हो राइटिंग मिट क्यों जा रही है भाई मेरी राइटिंग आ रही है आपके सामने स्क्रीन पर सर कुछ लिखा है अब आ रही होगी जी सर आ रही है भाई इसमें क्या करना है आपने सिंपल है इसमें आप एंजाइम दिखाते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट दिखाएंगे ये बायोलॉजी वाले तो अच्छे से जानते हैं इनके तो बच्चों से बचपन से रटा हुआ डायग्राम ये एंजाइम है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सबस्ट्रेट है फिर आप सेकेंड स्टेप में क्या दिखाते हैं एंजाइम कैसे काम करता है कि ये जो की लॉक मैकेनिज्म का मतलब क्या है ये सब्सट्रेट आकर इसके एक्टिव साइट में क्या हो गया फिट इन हो गया ये क्या बन गया एंजाइम सब्सट्रेट बोलो भाई कॉम्प्लेक्स और उसके बाद रिएक्शन शुरू हो जाएगा जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो एक स्टेप जो बच्चे दिखाना भूल जाते हैं वो क्या कि एंजाइम बाकी रहेगा और जो सब्सट्रेट है दैट वुड हैव कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट जो कि निकल जाए ये तीनों स्टेप ये दिखाना है आपको तीन नंबर मिल जाएंगे इसी को चाहे तो डिस्क्राइब कर दें डिस्क्राइब कैसे करेंगे कि सबस्ट्रेट
has a complementary active site on its enzyme and substrate bind to form enzyme substrate complex, and the reaction begins that ultimately forms product which leaves the active site. ये डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, चूंकि यहाँ लिखा हुआ था सूटेबल लेबल डायग्राम, तो आप लेबल डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे. सवाल खत्म हो गया, 10 नंबर और मिल गए. चलो भी आ जाओ सेवेंथ क्वेश्चन. अब ये जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अमाइनो एसिड से रिलेटेड बेटा. प्रोलीन इज ऑफन बॉन्डेड टू ग्लाइसिन इन अ प्रोटीन. अच्छा ग्लाइसिन क्या होता है आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा. अगर मैं अपनी नॉलेज से ग्लाइसिन लिखूं, मुझे जहां तक याद आता है, तो ग्लाइसिन ये होता है, ये होता है ग्लाइसिन. यस और नो? बायोलॉजी वालों को अगेन मालूम होगा ग्लाइसिन इज द ओनली अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन नहीं होती. ऐसा ही है ना? Yes, sir. चलो तो दिस इज ग्लाइसिन. ड्रॉ द डाइपेप्टाइड प्रो एंड ग्लाई. प्रो को ग्लाइसिन बनाना है. कैसे मिलता है? ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है और ये जो H है ये मिल जाएगा. यस नो? बोलो यार. तो क्या बनेगा? वरा ओवरा. जी सर. ये स्ट्रक्चर एज इट इज आ गया. यहां पर आ जाएगा O और फिर यहां आ जाएगा N H CH2 COOH. यस नो? यस. बोलो जी. रेहा कुछ बोलना चाह रही? बोलो बोलो ना. कंफ्यूजन तो क्लियर करो. मैं एक ही सवाल करा ही ले रहा हूं. पर वो ओ नहीं होगा ना वहां पे, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो. जी बिल्कुल. यू आर राइट एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, यहां एन आ जाएगा ना, एन एच सी एच टू सी ओ एच है ना, और ये वाला बॉन्ड आ गया कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड. यस नो? जी सर. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट फॉर्म्स द डाइपेप्टाइड. आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी? अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो प्राइमरी में सिर्फ कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है? पेप्टाइड बॉन्ड. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पूरा का पूरा किस पे स्टेबिलाईज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पर. और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से बॉन्ड आ जाते हैं? हाँ भाई बरा बोल भी दो. सुना ही नहीं है. आयोनिक डाइसल्फाइड हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन या वैन डर वाल, ये चारों आ जाते हैं. यही फर्क होता है. अब वो कह रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए क्यों नहीं स्टेबिलाईज हो पा रहा, तो भाई उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बनता था भाई? सी ओ के ओ और एन एच के एच के दरमियान. यस सुनो. यस सर. जरा इसको देखें, क्या इसमें एन के पास एच नजर आ रहा है आपको? नो. हाँ भाई, एन के पास एच नजर नहीं आ रहा. जब एन के पास एच नहीं है तो ये जो सी ओ का ओ है वो किसके साथ बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड? इज दैट क्लियर? यस सर. देयरफॉर वरा क्लियर है? जी सर. आई एम नॉट श्योर. अच्छा बार दफा ये भी रीजन होता है कि जैसे ये बड़ी सी रिंग आ रही है, अब जाहिर है कि अगर ये एक चेन और इसके ऊपर इसी तरह का एक और चेन आ रहा है तो रिंग की वजह से भी जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दरमियान में आ रहा है ये चेन को कंबाइन होने से क्लोज आने से रोकता है और उसकी वजह से भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाते. ठीक है, बात समझ में आ गई? सिर्फ पेलो नहीं आ रही है बात समझ में या नहीं? Yes, sir. अच्छा अभी क्या कहता है? द रिएक्शन स्कीम शोज सेवरल रिएक्शंस ऑफ प्रोटीन. ओके क्या है भाई? राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ प्रोटीन विद NaOH इन रिएक्शन वन. रिएक्शन वन में NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्या होगा भाई? NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आप जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी सॉल्ट बन जाएगा. क्या होगा भाई? ये Na रिप्लेस कर देगा इस H को, है ना? Sure. तो यहाँ जब NaOH से रिएक्शन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक ये H रिप्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C4H7NHCO2Na. Yes or no? और यहां से जो H निकलेगा वो OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना लेगा. क्लियर? यस सर. उसके बाद कहता है प्रोटीन एज अ सेकेंडरी अमाइनो फंक्शनल क्लोराइड फॉर एग्जांपल डाई. क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है कि भाई डाई मिथाइल अमाइन है, ये से रिएक्ट करता है, ये बना देता है. सर क्या बोला भाई इसने?
इसने बोला है सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट विद एसाइल, हमें पता है ना अमाइन रिएक्ट करते हैं और एन अपना एच लूज करता है, ये रिएक्शन किए ना हमने कि अमाइन जो है वो एसाइल से रिएक्ट करता है, एन अपना एच लूज कर देता है और एच लूज करके देखो यहाँ पर जो सीओ है ये देखो यहाँ पर आके कंबाइन हो गया है, देखो एन के साथ सीओ आर आ गया और ये एच और ये सीएल क्या बना लेगा, एच सी एल बना लेगा। अब कहता है सजेस्ट द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ आर एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन टू। आर क्या है, अब आर में देखें ये एसाइल से रिएक्शन हो रहा है तो भाई किससे रिएक्शन हो जाएगा, ये एच हट जाएगा, यस सर, और ये सीएल हट जाएगा, यस सर, तो ये सीएल और एच क्या बना लेंगे, एचसीएल बना लेंगे, यस सर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस इसी के नीचे क्या लग जाएगा, जो रिंग बनी हुई उसी के नीचे क्या लगा दोगे, सीओ सीएचसी लगा दोगे, यही लगा दूं क्या, जी सर, ये एच हटा के इसी के नीचे क्या लग जाएगा, सीओ सी एच थ्री, हाँ या ना, यस सर, हमारा बात समझ में आ रही है, यस सर, सजेस्ट द रिएजन रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन थ्री, रिएक्शन थ्री क्या है भाई, अच्छा भाई रिएक्शन थ्री में हो क्या रहा है, देखो जरा क्या हो रहा है, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड था और यहाँ पर अल्कोहल रह गया, क्या हो गई है, रिडक्शन, क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन कैसे करना है भाई, प्रोलीन वॉज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी यूजिंग मल्टी स्टेज रिएक्शन इन स्टेज वन, दिस स्टेज वन क्या हो रहा है, नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑफ स्टेज वन, हाँ भाई रिएक्टेंट में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है, एस्टर हो गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन, ये कौन सा है, साइनाइड, ठीक है, तो सीएचसी इसके अंदर कौन सा है भाई, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कौन सा है, एल्कीन एंड साइनाइड, चलो ये नंबर तो सजेस्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स इन स्टेज वन, हाँ भाई स्टेज वन में हुआ क्या है, पहले तो देखो ये स्टेज वन में हुआ क्या, देखो यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड था, वहां नहीं है, इसका मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, पॉलीमराइजेशन, अबे अबे ओ भाई पॉलीमराइजेशन तो कंटिन्यूटी में होती है ना लल्लू, एल्कीन का डबल बॉन्ड खत्म हुआ है, एल्कीन में कौन से रिएक्शन होते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कोई मसला नरमी, वो क्या नाम है तुम्हारा, हुमैरा सर, मार्किंग सीन में सिर्फ एडिशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक लिखूं, सिर्फ एडिशन लिखा हुआ, बेटा एल्कीन में हो रही है तो लिखना इलेक्ट्रोफिलिक, जी सर वही मैं उसको यही सोच रहा हूँ, हाय हाय, चलो इन स्टेज टू यू रिएक्ट्स विद, भाई एग्जाम में जब तुम कर रहे होगे तुम मुझे बताओ उस वक्त मार्किंग सीन खुली भी होगी भाई, तुम्हें तो अपने कॉन्सेप्ट से लिखना है ना और वो सही होना चाहिए, अब अगर मार्किंग सीन वाले ने कोई कंसाइज कर दिया है कहीं कुछ कर दिया तो उसको तो हमें एग्जाम में थोड़ी बताओगे, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से मुराद हम तो अपना उस वक्त क्या वही आएगी हमें कि जो है वो इसको ये लिखना था, हमें हम तो अपने हिसाब से ही रखेंगे और हमें एएस से सीखते आ रहे हैं, हम सिर्फ एडिशन नहीं लिखते क्योंकि एडिशन तो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है, एडिशन तो इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है, तो हम बताते हैं, चलो अब कहते हैं सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट वी, अभी क्या कर रहा है ये, क्या हुआ है भाई, देखो ये चीज तो एज इट इज है ना, ये भी ये साइनाइड से क्या बन गया है, एनएच टू बन गया, यस और नो, यस सर, हाँ भाई क्या सीखा था हमने, साइनाइड से एनएच टू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एनएच टू प्लस निकल, हैं सर रिडक्शन हो रही है ना, भाई रिडक्शन करते हैं ना, ये अमाइन की प्रिपरेशन, इथाइल अमाइन की प्रिपरेशन याद करो सर, एच टू प्लस निकल होगा, यहाँ पर टेन और एच सी एल का कपल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन को कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एच टू और निकल का कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एनआईएलएच को यूज हो सकता है, हाँ मार्किंग स्कीम में देखो होना चाहिए मेरे ख्याल में, जाके देखो बिल्कुल होगा, होगा होगा, जाके चेक कर लो, जाके सारे चेक कर लो, लिखा हुआ है इसमें।